hi guys welcome back if you're new here my name is mavis welcome to my channel in today's video i'm going to share this ultimate smoky eye makeup look with you and uh, which you can create in no time so if you want to know how i created this look then please keep watching but before I jump into the video please take a moment to like subscribe and share so without further ado let's begin सो टुडे आई एम यूजिंग जैकलिन हिल आई शेडो पैलेट और इसमें से मैंने यहाँ पर ब्लैक आई शेडो लिया है इसके अंदर बेसिकली टू आई शेडोज़ हैं एक प्रॉपर जेड ब्लैक है और एक नॉर्मल ब्लैक कलर है बट मैंने आज दोनों ही आई शेडोज़ को यूज़ किया है और थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसकी थोड़ी सी अमाउंट ली है और उसके बाद मैंने इसको लेट पर लगाया है और मैं इसको अच्छे से अब मैं जितनी अप्लीकेशन कर, करना चाहती थी मैं कर चुकी हूँ उसके बाद बस मैंने इसकी ब्लेंडिंग करनी है और इसी आई शेडो पैलेट में एक मरून शेड है जिसकी टोन थोड़ी सी ब्राउन में जो है वो शिफ्ट होती है उसी को लेकर उसी आई शेडो को लेकर मैं यहाँ पर इसके साथ यहाँ पे क्रीज पर इसकी ब्लैंडिंग करी हूँ अगर आपके पास आई शेडो पैलेट है जैकलन हिल पैलेट नंबर वन तो आप बखूबी जानते होंगे कि बहुत खूबसूरत आई शेडोज हैं उसमें जो कि बहुत सारी आई लुक्स जो हैं उसमें आप क्रिएट कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत और बहुत सटल लुक्स जो है क्रिएट होती हैं और इसको अच्छे से मैं आप लगा रही हूँ और लगाने के बाद मैंने ब्लेंडिंग करनी है एंड ब्लेंडिंग ब्लैंडिंग एंड ब्लेंडिंग और जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग हुई होगी उतना ही अच्छा आपका जो है एक स्मोकी मेकअप जो है बहुत अच्छे से एक कॉम्प्लीमेंट करता है आई लाइनर मैं आज यूज़ नहीं कर रही हूँ फ्लैट शेडर ब्रश मैंने लिया है और इसके साथ मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो एरिया फिलिंग का रहता था जैसे कि आई लाइनर का तो उसको मैंने इस ब्रश की हेल्प से आई थोड़ा सा लिया है उसको मैंने लगा के मज़ीद थोड़ी सी और फिलिंग कर दी है और इसके बाद इसी शेडो में आई शेडो पैलेट में से मैंने यहाँ पे एक और शाड़ आई शेडो लिया है जो कि थोड़ा सा शिमरी है जस्ट फॉर द यू नो कि ग्लिटर आई शेडो है और इसको जो है मैंने अपनी ब्रॉबोन को हाई किया है और कॉर्नर्स को मैंने हाई किया है मेबलिन का मैं यहाँ पे कलॉसल जो है यहाँ पे काजल ले रही हूँ इसको मैंने अपनी आइज पर लगाया और थोड़ा सा मैंने बाहर की तरफ भी लगाया इसको और बहुत अच्छा है बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है आपके हैंड का कंट्रोल होता है इसके ऊपर जितना आप चाहें इसको और थोड़ा सा मैंने बस अप्लाई किया है उसके बाद मैंने सेम ब्रश लिया है और मैंने उसी पर जेट ब्लैक आई शेडो लिया है और उसको मैं जो है अपनी लोअर लैश लाइन पर थोड़ा सा इसको कर रही हूँ मज़ीद ताकि ये एक अच्छा सा एक बहुत इसमें कहीं से भी फॉल आउट्स ना हो और एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो उसके बाद जो मैंने आई शेडो यूज़ किया था अपनी क्रीज़ के लिए उस सेम आई शेडो को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करी हूँ राइट ब्लो माई जो भी मैंने अभी uh, अप्लाई किया था काजल उसके नीचे ताकि एक बहुत खूबसूरत सटल लुक क्रिएट हो जाए उसके बाद मैं यहाँ पे मस्कारा यूज़ करी हूँ और मस्कारा एप्लीकेशन के बाद मैंने यहाँ पे जो है वो uh, ब्रश लिया था अगेन लैशेज़ ब्रश और उसके बाद मज़ीद उसको कॉम करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा इसको एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ इसमें उसके बाद मैंने अगेन एप्लीकेशन कर ली मस्कारा uh, की और मस्कारा मैंने यहाँ पे एसेंस का यूज़ किया और उसके बाद मैं अपने फेस को जो है क्लीन करी हूँ आपके सामने मैंने आई लैशेज़ भी अप्लाई कर ली हैं और आई लैशज़ज़ जो है ये बहुत सॉफ्ट ही बहुत खूबसूरत आई लैशज एंड वन ऑफ़ माई फेवरेट लेकिन कोई लोकल ब्रांड है उसकी आई लैशेज़ हैं बट बहुत अच्छी आई लैशेज़ हैं और इस मेकअप लोक के साथ बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट भी थी जो थी उसके बाद मैं यहाँ पे अब फेस क्लीन करने के बाद मॉइस्चराइज़ कर चुकी थी और यहाँ पे मैं अब अप्लाई करी हूँ ये वाला कॉफ़ी सिरम और आप कोई भी आ, अंडर आई क्रीम जो है वो अप्लाई करते हैं इसके बाद या फिर कोई कॉफ़ी सिरम और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते प्राइमर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करी हूँ मेबेलिन का इंस्टेंट पोर इरेज प्राइमर उसके बाद मैंने उसको अप्लाई कर लिया था और ऑफ कैमरा मैंने सेट कर लिया था अपने फेस को उसके बाद अब मैं यहाँ पर अप्लाई करी हूँ करेक्टर्स और करेक्टर्स का क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में प्रोसीजर्स बताया हुआ है और इसीलिए आज मैंने क्शन का जो भी प्रोसेस था वो मैंने किया नहीं है बल्कि मैंने अप्लाई करने के बाद अब इसकी आपके सामने ब्लेंडिंग कर रही है उसके बाद मैं इसको सेट कर लूँगी मेरी स्किन ड्राई है तो मैं बहुत स्लाइटली सा थोड़ा सा मैं पाउडर लेके इसको कहीं से जहाँ जहाँ पे भी मैंने अपलिकेशन की है वहीं भी मैं इसको सेट करूँगी उसके बाद मैं यहाँ पे ये वाली टू फाउंडेशन यूज़ करी हूँ वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन ये जो मैट वाली है एंड द अदर वन इज ऑल्सो मैट और उसके बाद मैं इसको अपने फेस पे लगा के अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग करूँगी एंड उसके बाद स्लाइटली सा मैंने पाउडर के साथ इसको सेट कर लिया आज मैं यहाँ पे वाइट पाउडर यूज़ करी हूँ ए पी के का बहुत अच्छा इसका फिनिश वैसे आती है मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया अपने दो तीन मेकअप लुक्स में तो मुझे इसका टर्न आउट अच्छा लगा है और इसको अच्छे से मैं यहाँ पे सेट कर लूँगी और सेट करने के बाद मैं यहाँ पे करी हूँ कंट्रोल एंड फॉर कंट्रोलिंगिंग आई एम यूजिंग उषा की ये पैलेट है और कंट्रोल पैलेट इसमें थ्री हाई लाइटर्स भी हैं बेसिकली अच्छा यहाँ पर मैंने इन तीनों शेड्स को लिया है और मैं यहाँ पर अपने फेस के जो फ़ीचर्स हैं उनको मज़ीद इनहेंस करने के लिए यहाँ पर ये कंट्रोल करी हूँ उसके बाद मैंने यहाँ पर पाउडर लिया है और पाउडर भी मैंने अभी कई का ही आज ले लिया था और इसको मैं जहाँ जहाँ पर भी मैंने कंट्रोल ही किया उसको मज़ीद हाई लाइट करने के लिए यहाँ पे इस पाउडर को यूज़ करी हूँ ए नाओ आई एम अप्लाइंग क्रीम ब्लश और आज कल मैं बहुत ऑप्सेस्ड हूँ क्रीम ब्लश से और मैं यहाँ पर क्रीम ब्लश जो है वो यूज़ करी हूँ और उसके बाद मैं इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसको मैं मज़ीद इहस करूँगी अपने ब्लश को विद द हेल्प ऑफ बी एच कॉस्मेटिक ब्लश पैलेट और उसके बाद मैं अपने फेस को स्लाइटली सा सेट करूँगी और बहुत प्रेस कर कर के अपने पूरे फेस को बहुत अच्छे से सेट से करूँगी ताकि मेरा जो फेस पर जितना भी मैंने अप्लीकेशन किया है प्रोडक्ट्स का वो अच्छे से सेट डाउन हो जाए उसके बाद मैं यहाँ पे हाईलाइट करी हूँ एंड क्रिस्टीन का मैंने यहाँ पे हाईलाइटर यूज किया है माय फेवरेट हाइलाइटर लॉन्ग लास्टिंग हाईलाइटर इकोनॉमिकल हाईलाइटर अगेन अ पाकिस्तानी ब्रांड और मुझे बहुत पसंद है आपके पास जो भी प्रोडक्ट है एज अ हाई आप उसको यूज़ कर सकते हैं मैं अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे इसको अप्लाई करी हूँ एंड अगेन मैं एक बेग ब्रश लूँगी और अपने फेस को अच्छे से सेटल डाउन कर लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई करी हूँ ये लाइनअप करी हूँ अपने लिप्स को क्लेजोना की मैंने लिप पेंसिल ली थी उसके बाद मैं यहाँ पर स्वीट फेस की लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करी हूँ And here is my final look. I hope you enjoyed this tutorial. Please let me know in comment section if you enjoyed it. Don't not forget to tag me on social media if you are going to create any of my created looks. I love you guys so much and I will see you soon with a brand new one. Bye guys.